हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो जो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है 2.1, तो उसमें एज सच कुछ है नहीं करने को। तो हम जो पहली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे वो है 2.2। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो हमें इसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी होगा ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो ए है, एक्स का जो कोफिशियंट है वो बी है, और ये जो सी है ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक। तो हमें वैसे भी पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर हमें दिख रही है, हाइएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे ए बी और सी की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज जानना बहुत जरूरी है जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होती है, वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जीरोज क्या होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, उसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको इस पॉलिनोमियल पे रखने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो हो जाए, उनको हम उसके जीरोस बोलते हैं। ठीक। तो आप डिस्कस करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो उसके कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है वो इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, यानी जो जीरोस थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जिनकी वैल्यूज को इसमें रखी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो रहा था, अगर उनका हम सम कर दें तो वो हमेशा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। यहाँ पे जो ये बी है वो कोफिशियंट है एक्स का, और ये जो ए है वो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक। अब वही जीरो जो हमने यहां से निकाले इस पॉलिनोमियल के, अगर उनका हम प्रोडक्ट कर दें तो वो इक्वल टू होगा ये सी, जो सी है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन ए जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। ठीक। तो अब बात करते हैं अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस दिए हैं तो उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक। तो अगर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हैं जैसे अल्फा और बीटा और आपको इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक। यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस जो ये दोनों जीरोस थे उनका सम अल्फा प्लस बीटा इंटू जो वेरिएबल था एक्स प्लस, और जो हमारे पास जीरोस थे उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड है और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है जो अभी हमने डिस्कस करी है। तो इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें वो इस टाइप से होता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसके हमें जीरोस निकालने और साथ में उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना। ठीक। तो क्योंकि हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और हमें इसके जीरोस निकालने तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू को इक्वल टू जीरो दिखाना। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में इसको इक्वल टू जीरो रख लेंगे। ठीक है। अब हम इसको इक्वल टू जीरो रख लेंगे और हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे और आपको पता होगा फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के साथ और जो नंबर आएगा उसके हम अलग से फैक्टर बना लेंगे। 8 को हम ब्रेक करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 2 2 और 2 1 2। अब हमें ये 2 लेके आना है यहाँ पे। अब इस टाइप से यहाँ पे इस 8 को इस टाइप से ब्रेक करना है ताकि ये प्लस या माइनस करके -2 बन जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो टर्म बने जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रही थी। ठीक। तो हम यहाँ पे इसको 4 और 2 लिख सकते हैं तो 4 -2 यहाँ पे 2 भी बन जाएगा और 4 × 2 8 भी बन जाएगा। ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x - 8 = 0। तो यहाँ पे क्योंकि जो 2x है उसका साइन जो है वो नेगेटिव है तो हम यहाँ पे जो भी दो नंबर रखेंगे उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको हम नेगेटिव रखेंगे ताकि उन दोनों नंबर को सॉल्व करके ओवरऑल जो नंबर बने वो नेगेटिव बने। ठीक। तो अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख लेंगे और ये बाकी जो दो टर्म्स हैं इनको एक साथ रख लेंगे। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में एक्स कॉमन हो गया तो एक्स बाहर आ गया, यहाँ बचा x-4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन हो गया तो 2 बाहर आ गया, यहाँ बचा x-4 = 0। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे, ये कॉमन टर्म होगी इसको एक बार लिख लेंगे, बाकी जो बचा उसको एक बार लिख लेंगे। तो ये हो गया x+2 × x-4 = 0
तो यहां से अब ये दो फैक्टर बन गए, तो ये इक्वल टू जीरो और ये इक्वल टू जीरो लिख लेंगे अलग अलग, ठीक। तो यहां से हो जाएगा ये x प्लस टू इक्वल टू जीरो और इधर से हो जाएगा x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर x को सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा और इधर से अगर x को सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू फोर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज आई हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक। तो एक को हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, तो इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस टू और बीटा की वैल्यू हो गई फोर, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो हमने निकाल लिए, एक जीरो आया माइनस टू, एक आया फोर। अब हमें इसका जो रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वो वेरीफाई करना है, ठीक। तो इसके रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें पता है सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है। तो सम ऑफ जीरोस की जगह हो गया अल्फा, एक इसका जीरो है, बीटा इसका दूसरा जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ अल्फा की वैल्यू रख लें, तो अल्फा हो गया माइनस टू प्लस बीटा की वैल्यू है फोर, तो फोर। और यहाँ पे अगर बी की वैल्यू देखें तो बी की वैल्यू थी माइनस टू, ये माइनस का है और यहाँ पे ये माइनस टू अपॉन में ए, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे वन। तो इधर लेफ्ट साइड में सॉल्व करके आ गया ये टू और राइट साइड में भी इसको सॉल्व करेंगे तो टू। तो एक रिलेशन तो इसका वेरीफाई हो गया, जो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसको भी वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो हमें पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो सी बाय ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। तो यहां वैल्यूज रख लेंगे तो अल्फा की जगह हो गया माइनस टू इंटू बीटा हो गया फोर। सी की जो वैल्यू थी वो यहां दिख रही है माइनस एट है, तो ये माइनस एट अपॉन ए की वैल्यू, तो ए यहां पे वन है तो वन। अगर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एट इक्वल टू माइनस एट, जो कि ये वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड इसकी बराबर होगी। तो हमने इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो दोनों रिलेशन होते हैं वो दोनों वेरीफाई करके दिखा दिए, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं। बस क्या होगा, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, बाकी क्वेश्चन में वही करना होगा, आपको जीरोस निकालने होंगे और उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना होगा, ठीक। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसके एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड वो आप आसानी से कर लोगे। अब बात करते हैं इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। तो जो इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से होता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है माइनस वन, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस वन, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इस पे जो बेस और भी क्वेश्चन हैं आपके 2.2 में वो भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक। तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।